चलिए, कल के लेक्चर में हमने इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। इकोलॉजी को हमने बोला था ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का जो भी रिलेशन होता है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का जो भी रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसको हमने जो है इकोलॉजी बोला था। बात समझ में आई? दिक्कत है क्या? और फिर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म आपके माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। फिर मैंने बताया था सर इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है, आसपास की बात मैं कर रहा हूं, हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है वो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। और सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट दो चीज से मिलकर बनेगा, एक तो हमने बताया था आपको ए बायोटिक और दूसरा है बायोटिक, एक तो बायोटिक और दूसरा है ए बायोटिक। बायोटिक में मैंने आपको बताया था नंबर एक था प्लांट्स और नंबर दूसरा था एनिमल्स और अगला बायोटिक था माइक्रोब्स, है नहीं है? और लाइट हमने यहां पर डिस्कस किया था आपके साथ, और वाटर यहां पर मैंने एबायोटिक फैक्टर बताया था, सॉइल है, टेम्परेचर है, इत्यादि चीजें जो है मैंने आपको एबायोटिक के बारे में बताया था। और इनका आपस में रिलेशन जो होता है, इंट्रैक्शन जो होता है, यही हमारा जो है इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इकोलॉजी। फिर जो है हमने ये बात बताया कि इकोलॉजी जो है बायोटिक बायोटिक का रिलेशन है और इकोलॉजी ए बायोटिक बायोटिक का रिलेशन भी है। हमने आपको बताया था लाइट का यूज जो है प्लांट करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, तो लाइट आपका एबायोटिक, प्लांट्स आपके बायोटिक, तो बायोटिक एबायोटिक का रिलेशन। उस प्लांट के फूड को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया, तो बायोटिक बायोटिक का रिलेशन, प्लांट भी बायोटिक है और एनिमल्स भी क्या है? बायोटिक है। तो बायोटिक बायोटिक का रिलेशन और एबायोटिक बायोटिक का रिलेशन ही आपका इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था, फिर हमने इकोलॉजी ऑर्डर के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने बताया था ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर है। सब इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो आपका ऑर्गेनिज्म है। ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल और माइक्रोब्स कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। हमने इसको सेल न बोल के ऑर्गेनिज्म बोल दिया, हमने इसको सेल न बोल के ऑर्गेनिज्म बोल दिया क्योंकि हम लिविंग की बात करते हैं। अब आप यहां देखो, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए है, कोई ऑर्गेनिज्म क्या है? ए है। किसी पर्टिकुलर एरिया पे ए के ही ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, तो ये क्या बनाएगा? पॉपुलेशन। क्या बनाता है? पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट एनी पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर सेम स्पीसीज रह रहे हैं तो ये पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉपुलेशन, बताया था मैंने आपको। बहुत बढ़िया, तो हमने इसको स्पीसीज ना बोल के पॉपुलेशन क्यों बोला बताओ? हमने इसको स्पीसीज ना बोल के पॉपुलेशन क्यों बोला? क्योंकि सर स्पीसीज तो पूरे दुनिया की है नहीं है? एनिमल्स की मतलब ह्यूमन की स्पीसीज कितनी है? नंबर बहुत ज्यादा है नहीं है? लेकिन हम पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बात करेंगे, तो वही अगर सेम स्पीसीज के मेंबर किसी एरिया पे रह रहे हैं तो मेरा पॉपुलेशन कहेगा। क्या कहेगा? उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब किसी जगह पे ए भी रह रहा है, किसी जगह पे बी भी रह रहा है, किसी जगह पे सी भी रह रहा है, किसी जगह पे डी भी रह रहा है, डी किसी जगह पे डी भी रह रहा है,
तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा मेरे बच्चों, कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेगा। कम्युनिटी को हिंदी में बोलते हैं समुदाय। अब आपको पता है यहां पर प्लांट भी हो सकते हैं, यहां पर एनिमल्स के अलग अलग स्पीसीज भी हो सकते हैं, यहां माइक्रोब्स के अलग अलग स्पीसीज भी हो सकते हैं। अगर तीनों प्रेजेंट है तो कौन सी कम्युनिटी होती है, नाम ले लूंगा, बायोटिक कम्युनिटी। क्या होती है, बायोटिक। अरे सर, किसी कम्युनिटी में अगर प्लांट भी है, एनिमल्स भी है और माइक्रोब्स भी रह रहे हैं, क्योंकि तीनों बायोटिक के अंदर आते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी को कौन सी कम्युनिटी बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। कल मैंने यहां तक आपको बताया था, ठीक है। लेकिन सर जरूरी नहीं है, अगर कम्युनिटी का फॉर्मेशन करना है तो तीनों हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सर वहां पर एनिमल्स के डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकते हैं, तो वो एनिमल कम्युनिटी कहलाएगी, जानवरों का समुदाय। वहां पर प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकते हैं, वो आपकी प्लांट स्पीसीज कहलाएगी। वहां पर आपके माइक्रोब्स के, सॉरी, प्लांट कम्युनिटी कहलाएगी। वहां पर माइक्रोब्स के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, तो वो माइक्रोबियल कम्युनिटी कहलाएगी। अगर तीनों प्रेजेंट है तो कौन सी कम्युनिटी है, बायोटिक। कौन सी कम्युनिटी है, बायोटिक। फिर मैंने आपको धीरे से मैं आगे बढ़ा था, तो कम्युनिटी के बाद हमने पढ़ा था इकोसिस्टम। क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने क्या बताया इकोसिस्टम में आपको, सर इकोसिस्टम में मैंने बताया बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन, बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन ही इकोसिस्टम है। समझ में आया नहीं आया, मैंने आपको बताया था किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, माइक्रोब्स भी है। अगर ये प्लांट, ये पॉन्ड, अगर ये पॉन्ड का एनवायरमेंट है तो किसी एनवायरमेंट में लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग फैक्टर ये होंगे, मतलब बायोटिक फैक्टर ये होंगे, और एबायोटिक फैक्टर क्या होगा, लाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये इसके एबायोटिक फैक्टर होंगे। समझ में आया, अगर प्लांट में ये प्रेजेंट है, सॉरी, अगर पॉन्ड में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ये उसकी पॉन्ड कम्युनिटी है, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं एबायोटिक से है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, इकोसिस्टम का। किसका फॉर्मेशन करेगा, इकोसिस्टम का। मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, एबायोटिक। क्या होता है, एबायोटिक। अरे अगर कोई प्लांट है, प्लांट पॉन्ड में कोई प्लांट है, अरे वो होगा आपका जूप्लैंकटॉन्स, और जूप्लैंकटॉन्स वहीं रहेंगे जहां पानी होगा। इसका मतलब अगर पानी नहीं है तो जूप्लैंकटॉन्स भी नहीं होंगे। सबसे पहले पानी होना बहुत जरूरी है जूप्लैंकटॉन्स के लिए। अगर पानी होगा तो इसका मतलब सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर, उसके बाद प्लांट आएगा। उसके बाद अगर प्लांट होगा तो उसको खाने के लिए एनिमल्स आएगा। अगर प्लांट ही नहीं है तो एनिमल का क्या काम। एबायोटिक के बाद बायोटिक आएगा, और बायोटिक में सबसे पहले कौन आएगा, प्लांट। अगर प्लांट आएगा, उस प्लांट को खाने के लिए कौन आएगा, एनिमल्स आएगा। समझ में आया। अब आप एक चीज बताओ, जैसा बायोटिक प्लांट होगा वैसा ही बायोटिक एनिमल्स भी आएगा, तो इसको जूप्लैंकटॉन्स को खाने के लिए, सॉरी, ये फाइटोप्लैंकटॉन्स को खाने के लिए जूप्लैंकटॉन्स ही आएंगे, बाहर से गाय, भैंस, बकरी नहीं जाएगा उसको खाने के लिए। समझ में आया क्या। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर एक इकोसिस्टम ये है पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर मैंने आपको बताया है एक होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, इन चीजों को डिफरेंस बताया था। यहां पर भी एबायोटिक और बायोटिक दोनों होंगे, यहां पर भी एबायोटिक और बायोटिक दोनों होंगे,
लेकिन तीनों जगह एबायोटिक अलग होगा और बायोटिक भी अलग होता है। पॉइंट में बायोटिक कौन है, बायोटिक प्लांट कौन है, फाइटोप्लैंकटॉन्स। यहां घास होंगे, घास, यहां पर बड़े बड़े पेड़ होंगे, है तो बायोटिक, लेकिन बायोटिक का टाइप अलग है। तो मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ, इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ बायोटिक भी बदलता है और एबायोटिक भी बदलेगा। समझ में आया नहीं? तो इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ बायोटिक भी बदलेगा और एबायोटिक भी बदलेगा। और मैंने आपको बताया था दो सिस्टम के बीच में जो इंटरजोनल चीज होता है इसको बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। जहां पर दोनों की डाइवर्सिटी मिलेगी, यहां पर पॉन्ड की डाइवर्सिटी भी मिलेगी, यहां पर फॉरेस्ट का डाइवर्सिटी भी मिलेगा। ऐसा ये जोन यहां पर भी होगा जहां पर ग्रासलैंड की डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब ग्रासलैंड के बायोटिक एबायोटिक मिलेंगे और पॉन्ड के बायोटिक एबायोटिक भी मिलते हैं, तो ये इकोटोन कहलाता है। और अगर डाइवर्सिटी पूछेगा तो इन दोनों में बात करूंगा, यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ प्लांट एनिमल ज्यादा होंगे, मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? डाइवर्सिटी। तो इकोटोन की डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी इन दोनों से। समझ में आया? तो ये तो बेटा कहीं पे जो है, अगर मुझे बायोटिक लाने के लिए सबसे, मतलब इकोसिस्टम अगर मुझे बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? एबायोटिक। सबसे पहले एबायोटिक होगा तभी बायोटिक आएगा, और बायोटिक में सबसे पहले कौन आएगा? प्लांट्स, फिर जो खाने वाला एनिमल बाद में पैदा होगा। समझ में आ गया? तो हमने बात कर दी है इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम के बाद हमने पढ़ा था बायोम। क्या पढ़ा था? बायोम, 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 बायोम के बाद क्या पढ़ा था? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। बायोम क्या होता है? सिंगल लार्ज इकोसिस्टम, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम जो है वो बायोम कहलाता है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसको हमने सिंगल लार्ज इकोसिस्टम इसलिए बोला क्योंकि वहां पर यहां से लेके यहां तक वेजिटेशन सेम है। क्या सेम है? वेजिटेशन सेम है। वेजिटेशन सेम है तो एबायोटिक भी सेम है। क्या सेम है? एबायोटिक भी सेम है। पूरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एबायोटिक भी सेम है और वेजिटेशन भी सेम है। मैंने आपको बताया था इतना बड़ा बायोम है तो बीच में कुछ वेरिएशन तो आएंगे ना, बीच में नदी नाले पेड़ पौधे मतलब ओशियंस वगैरह आ गए, तो ये किसी बायोम में आने वाले छोटे वेरिएशन है। दीज आर कॉल्ड माइनर वेरिएशन। क्या बोलते हैं इनको? माइनर वेरिएशन बोलते हैं। समझ में आया? दिक्कत है? तो सिंगल लार्ज इकोसिस्टम क्या होगा? बायोम। वेजिटेशन सेम, एबायोटिक सेम। जैसे ओशियन है, ओशियन इज बायोम, बहुत बड़ा ओशियन, तो बीच में आइलैंड होंगे छोटे मोटे, आइलैंड द्वीप बोलते हैं जिसको हम, है नहीं है? तो वो क्या होते हैं? क्या बोलेंगे उनको? माइनर वेरिएशन। क्या बोलेंगे? माइनर वेरिएशन। उसके बाद बायोम के बाद क्या आएगा? बायोस्फीयर। ये हमारा पूरा अर्थ जो है, ये हमारा पूरा अर्थ जो है बायोस्फीयर के अंदर आएगा, जिसमें एटमोस्फेयर भी आएगा, लिथोस्फीयर भी आएगा और हाइड्रोस्फीयर भी आएगा। समझ में आई बात? आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, लिथोस्फीयर। लैंडस्केप। क्या बता रहा हूं? लैंडस्केप। अच्छा, बता सकते हो क्या लैंडस्केप किसे कहते हैं? आज हम बात करेंगे लैंडस्केप की। बताओ व्हाट इज लैंडस्केप? है बताओ, क्या बोला? नजारा। क्या इंडिया एक लैंडस्केप है? तो मैं आपको बताऊं लैंडस्केप क्या होता है। अच्छा, पहले तो मैं लैंडस्केप की डेफिनेशन लिख देता हूं, है ग्रुप of different ecosystem
ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय बाउंड्री, सराउंडेड बाय बाउंड्री। अब आप ध्यान से सुनना, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम सराउंडेड बाय बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम को एक चीज सराउंड करते, जैसे कमरा है, मान लीजिए ये मेरा ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है। समझ में आया? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ग्रासलैंड भी है। घास उल्टी हो गई, ये हो गया ग्रासलैंड। यहां बीच में ओशियन भी है, यहां टेरेस्ट्रियल भी है, और यहां पर फॉरेस्ट भी है, यहां पर कहीं ना कहीं पॉन्ड भी है, यहां कहीं ना कहीं डेजर्ट भी है। क्या है? डेजर्ट। अब आप देखो, और इनको जो है एक बहुत खूबसूरत सी बाउंड्री जो है इनको क्या करती है, सराउंड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। देखो, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इज अ इकोसिस्टम, ओशियन इज अ इकोसिस्टम, डेजर्ट इज अ इकोसिस्टम, पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट है इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल बहुत बड़ा वो भी इकोसिस्टम है, जो इन सबको सराउंड करेगा उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, और यही चीज क्या कहलाती है, लैंडस्केप कहलाती है। अच्छा सुनो, अब ये बाउंड्री बड़े बड़े माउंटेन्स भी हो सकते हैं। अब तुम ये भी तो बोल सकते हो, क्या माउंटेन भी तो इकोसिस्टम हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता है? अरे जो ये बाउंड्री है, हमने लिखा है सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या हो सकती है? ये बाउंड्री जो है ये इकोसिस्टम भी हो सकता है। हमें बोल सकते हैं ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो एक बड़े इकोसिस्टम को, एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से ज्योग्राफिकली डिवाइड करती है। यहां की चीज अलग है, बाहर की चीज अलग है, बीच में इकोसिस्टम है जो दोनों को ज्योग्राफिकली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से जो जियोग्राफिकली जो है डिवाइड करेगा उसको भी क्या बोल सकते हैं, क्या, लैंडस्केप। समझ में आ रही है? या क्या बोलेंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय लैंडस्केप, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैंडस्केप। समझ में आ रही है? दिक्कत है? जैसे मान लो साउथ, साउथ में क्या, साउथ में क्या है, ओशंस है, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हिमालयाज है, बीच में बाउंड्री है नहीं है, कितना बड़ा लैंडस्केप है। हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और पूरे हिंदुस्तान को मिला दें तो लैंडस्केप है, इंडिया इज अ लैंडस्केप, तब तो बोलते हैं, बिकॉज हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। समझ आया नहीं है? लैंडस्केप समझ में आ गया? डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। समझ में आया? तो ये लैंडस्केप है, और सर ये बाउंड्री है, ये इकोसिस्टम भी हो सकता है, सर ये इकोसिस्टम भी क्या हो सकता है, मैं ऐसे बोलूंगा ऐसा इकोसिस्टम जो एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से ज्योग्राफिकली अलग करता है, डिवाइड करता है, इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। समझ में आया? दिक्कत है? तो ये लैंडस्केप हो गया जहां पर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ, एक इकोसिस्टम, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने इकोसिस्टम है? बहुत सारे हैं। तो मुझे बताओ, इकोसिस्टम, तो मैं ये बोल सकता हूं, इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, लैंडस्केप। ये तो बोल सकता हूं ना, अरे बहुत सारे इकोसिस्टम मिला क्या बना रहे हैं, लैंडस्केप बना रहे हैं। तो
तो मैं बोल सकता हूं इकोसिस्टम जो है लैंडस्केप की जो है यूनिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूनिट। अब तुम मुझे ये बताओ, सुनो, अब एक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोम एंड लैंडस्केप, बताओ लैंडस्केप और बायोम में क्या डिफरेंस है? अब मुझे ये बताओ कॉम्प्लेक्सिटी कहां ज्यादा है, लैंडस्केप में या बायोम में? लैंडस्केप में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि यहां देखो फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल, ओशियन, पॉन्ड, डेजर्ट, ग्रासलैंड, सबका वेजिटेशन अलग अलग है, सबका एबायोटिक अलग है, बायोटिक अलग है, लेकिन बायोम में सिंगल टाइप ऑफ वेजिटेशन है। सिंगल टाइप की क्या है? एबायोटिक है। सिंगल टाइप का एबायोटिक है, सिंगल वेजिटेशन है, लेकिन यहां तो वेजिटेशन अलग अलग है, क्योंकि इकोसिस्टम बदल रहा है। इकोसिस्टम के बदलने के साथ साथ लैंडस्केप का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बदलेगी, या वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बायोम। इकोसिस्टम अलग अलग है तो वेजिटेशन भी अलग अलग होगा, अगर वेजिटेशन अलग अलग है तो एबायोटिक भी अलग होगा। यहां तो सिंगल वेजिटेशन है बायोम में, अगर वेजिटेशन सिंगल है तो एबायोटिक भी एक ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी तो लैंडस्केप की ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोम, लेकिन अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज किसका बड़ा है? बायोम का। किसका साइज बड़ा होगा? बायोम। अरे बात मारा ना, साइज तो बायोम का ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लैंडस्केप। समझ में आ गया? नहीं आ गया? दिक्कत है। फिर हमने पढ़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ग्रुप ऑफ क्या है? बहुत लार्ज इकोसिस्टम, बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम, मतलब सब मिला के बायोस्फीयर है। दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाओगे, साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर कोई पूछे लैंडस्केप और बायोम में किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? लैंडस्केप। किसकी? लैंडस्केप। लेकिन साइज किसका बड़ा है? बायोम का। समझ में आया? दिक्कत है। चलिए नोट कर लीजिए, इकोसिस्टम जो है वो यूनिट है। क्या है? यूनिट। इकोसिस्टम एक यूनिट है। किसकी? लैंडस्केप की। तो इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ लैंडस्केप। बात आगे बढ़े। चलिए तो यहां पर हल्का फुल्का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आज हमने पढ़ा लैंडस्केप के बारे में। समझ में आया? तो हिंदुस्तान क्यों बढ़िया खूबसूरत सा लैंडस्केप इसलिए है क्योंकि यहां डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं, वेजिटेशन अलग अलग है। चलिए आप यहां देखते हैं, अगर मैं इकोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करूं, ब्रांचेज के बारे में दो प्रकार के इकोसिस्टम के ब्रांच होते हैं इसके। एक तो होता है ऑटो इकोलॉजी। क्या होता है? एक तो होता है ऑटो इकोलॉजी, एक तो होता है सिनिकोलॉजी। क्या होता है? एक तो होता है ऑटो इकोलॉजी, एक तो होता है सिनिकोलॉजी। सुनो, सिन का मतलब होता है एक ग्रुप का। व्हाट इज इकोलॉजी? ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ये हमारा इकोलॉजी है। बता दिया मैंने दो बार। अब ऑटो इकोलॉजी का मतलब या तो एक ऑर्गेनिज्म का, सिंगल ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैं हूं, अरे मेरा एनवायरमेंट के साथ क्या इफेक्ट है, दिस इज ऑटो इकोलॉजी। या मैं बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। समझ में आ नहीं आया? या तो मैं बोल सकता हूं सिंगल स्पीसीज, या मैं बोल सकता हूं सिंगल स्पीसीज, या ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज। है तो इंसान ही ना, ग्रुप ऑफ क्या? सिंगल स्पीसीज।
देखो सिंगल स्पीसीज या ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज का एनवायरमेंट के साथ क्या इफेक्ट है, क्या इंट्रैक्शन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑटो इकोलॉजी। जैसे एग्जांपल बता सकते हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है किस पर हो रहा है, इंसान पे, अरे ह्यूमन पे ना, अरे चाहे मैं बोल दूं मेरे पे हो रहा है, मैं बोल दूं चाहे इंसान पे हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन है तो एक स्पीसीज ना, एक स्पीसीज का एनवायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। और अगर हम ग्रुप ऑफ स्पीसीज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कहूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का इंट्रैक्शन एनवायरमेंट के साथ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का इंट्रैक्शन एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट में जो भी फर्क पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पर पड़ेगा। जैसे मैं कहूं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट किस पे, एनिमल्स पे, किस पे, एनिमल्स पे, एनिमल्स इज अ डिफरेंट स्पीसीज, सब, अरे एनिमल्स में सब स्पीसीज आ गए ना, तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो एनिमल स्पीसीज पे कितना हो रहा है, ये कहलाएगा सिन इकोलॉजी। या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का इंट्रैक्शन अगर एनवायरमेंट के साथ देखें तो वो कहलाता है सिन इकोलॉजी। समझ में आया? अब तुम मुझे एक चीज बता दूं तो ये मेरे कौन सी इकोलॉजी है, अरे ये मेरा कौन सी इकोलॉजी है, अरे सर स्पीसीज इकोलॉजी, कौन सी इकोलॉजी होगी, स्पीसीज इकोलॉजी, अरे या तो सिंगल स्पीसीज हो या तो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो, एक आदमी हो, है नहीं है, या तो सिंगल स्पीसीज हो या तो ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज हो, उसका इंट्रैक्शन किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, तो कौन सी इकोलॉजी कहलाएगी, स्पीसीज इकोलॉजी। अब तुम मुझे ये बताओ, मैंने यहां लिखा ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का रिलेशन एनवायरमेंट के साथ, कौन सी इकोलॉजी कहलाएगी बताओ, कम्युनिटी इकोलॉजी, कौन सी इकोलॉजी कहलाएगी, कम्युनिटी इकोलॉजी। सर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज मिला के बनता है कम्युनिटी, तो ये कहलाएगा कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या कहलाएगा? कम्युनिटी इकोलॉजी। समझ आया? तो ये कम्युनिटी इकोलॉजी है, ये आपका कहलाएगा स्पीसीज इकोलॉजी। समझ में आ गया? दिक्कत है, प्रॉब्लम? तो ये इसके ब्रांचेज हो गए, ऑटो इकोलॉजी, सिंगल आदमी का बोले या सिंगल ऑर्गेनिज्म का बोले या सिंगल स्पीसीज का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम ऑटो इकोलॉजी बोलेंगे या स्पीसीज लेवल की इकोलॉजी है। अगर अगर हम ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का इंट्रैक्शन अगर एनवायरमेंट के साथ देखें तो वो या तो सीन इकोलॉजी कहलाएगा, और ऐसी इकोलॉजी क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी इकोलॉजी। समझ में आया? दिक्कत है? चलिए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे डिटेल में, मैं बताऊंगा आपको पॉपुलेशन क्या होता है, सिस्टर पॉपुलेशन क्या होते हैं, मेटा पॉपुलेशन क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बेटा, सारा कवर कर रहा हूं, है नहीं है, सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। सर आपको पता ही है पॉपुलेशन क्या होता है? अरे किसी पर्टिकुलर एरिया पे सिंगल टाइप ऑफ स्पीसीज रह रहे हैं, है नहीं है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। जनगणना कहलाता है, जनगणना। पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया पे सिंगल टाइप के स्पीसीज रह रहे हैं तो ये मेरा पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इधर देखो, एक मेरे पास, ये मेरे पास हिल्स एरिया है, मतलब पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय
मतलब पहाड़ी इलाका है, है नहीं है? एक मेरे पास जो है ये प्लेन्स का एरिया है, प्लेन्स का एरिया मैदानी एरिया है, मेरे दो अलग अलग मैं डिस्कस कर रहा हूं। इधर देखिए, अब मुझे ये बताओ हिल्स में भी ए ही रह रहे हैं, हिल्स में भी ए स्पीसीज रह रहा है। मान लीजिए ह्यूमन की पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन है? ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, और यही ह्यूमंस की पॉपुलेशन जो है मैदानों में भी रह रही है। कहां रह रही है? मैदान्स में भी रह रही है, प्लेन्स में भी रह रहा है। ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है पहले पहाड़ों पे थी, हिल्स में थी, अब उनको प्लेन्स में गए हुए जो है, कुछ वहां से प्लेन्स में गए, और जनरेशन का अंतर है, जनरेशन हो गए वहां पर गए। ऐसा नहीं है कि यहां से चार लोग गए पांच लोग गए, नहीं, जनरेशन बीत चुके हैं वहां, उसने उन्होंने अपने पॉपुलेशन बना दिया है। अब आप मुझे बताओ, सेम पॉपुलेशन है दोनों जगह की, यहां पर की भी यहां पर की पॉपुलेशन सेम है, चाहे इंसानों की ही है लेकिन सेम तो पॉपुलेशन है ना, वही लोग यहां भी रह रहे हैं, वही लोग यहां भी रह रहे हैं, लेकिन उनको काफी टाइम हो गया है नहीं है? प्लेन्स में गए हुए काफी टाइम हो चुका है, ये दोनों आपस में कैसे पॉपुलेशन कहलाएंगे? बताए थे हम पहले, ये दोनों आपस में कैसे पॉपुलेशन कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे, है नहीं है? कौन से पॉपुलेशन कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। अगर सेम स्पीशीज के मेंबर किसी दो जगह पर रह रहे हैं बहुत समय से किसी दो जगह पर रह रहे हैं, वो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाते हैं। कैसे पॉपुलेशन कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। अगर मैं एक चीज और बता रहा हूं, अब आप ये देखिए, अगर मान लीजिए इन सिस्टर पॉपुलेशन का आपस में कुछ इंट्रैक्शन है, इन सिस्टर पॉपुलेशन का आपस में कुछ इंट्रैक्शन नजर आ रहा है आपको, कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन है, अगर इंट्रैक्शन है तो इनको हम बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे? मेटा पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन तब होगा जब क्या होगा? इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ क्या हो? रिलेशन है। सर अब एक चीज और बताओ, हर सिस्टर पॉपुलेशन का हर बंदा, सिस्टर पॉपुलेशन का हर बंदा जो है वो आपका मेटा पॉपुलेशन के अंदर भी आ सकता है। इधर देखिए, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, जैसे मान लो ये यहां जाके रह रहा है, ये यहां जाके रह रहा है, इनका आपस में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन है, मेटा पॉपुलेशन के अंदर आएगा। सेम स्पीशीज के मेंबर यहां भी रह रहे हैं, इंग्लैंड में भी रह रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, ये आपस में कैसे पॉपुलेशन कहलाएंगे? कैसे कहलाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन। कैसा कहलाएंगे? सिस्टर। अगर एक बंदा जाके दूसरे का रह रहा है, दूसरे जगह की एनवायरमेंट को एडॉप्ट कर रहा है नहीं है? हो गया ना इंट्रैक्शन, मेटा पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन? मेटा पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ, हर सुनो, अगर ये जा सकते तो ये भी जा सकता है, तो हर मेंबर जो है वो भी किसके अंदर आएगा? मेटा पॉपुलेशन के अंदर। किसके अंदर आएगा? मेटा पॉपुलेशन के अंदर आएगा। तो मेरा एक सवाल आपसे यह है, क्या हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन हो, यह जरूरी है? नहीं है। लेकिन अगर क्या हर मेटा पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा सुनो, हर सिस्टर मेटा क्यों नहीं हो सकता है? एग्जाम्पल बताओ। अरे यहां मान लो एक सिस्टर पॉपुलेशन ये वाला इलाका है,
एक सिस्टर पॉपुलेशन बहुत दूर है, लेकिन बीच में बहुत सारा क्या है, आइलैंड है, बहुत बड़ा ओशन है नहीं है? एक ओशन के पार पॉपुलेशन है इंसान की, एक ओशन के इधर है तो दोनों कौन सी पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन है, लेकिन दोनों आपस में कैसे नहीं है, मेटा पॉपुलेशन नहीं है। समझ में नहीं आया? तो दो सिस्टर पॉपुलेशन जो है मेटा पॉपुलेशन हो ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेटा है तो सिस्टर भी होंगे ये जरूरी है। बात नहीं आई समझ में? दिक्कत है, प्रॉब्लम? तो ये आपको बता दिया मैंने पॉपुलेशन के बारे में, समझ में आ गया? तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे रह रहा है तो इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। सिस्टर पॉपुलेशन, दो जगह की पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन जो सदियों से रह रही है उसको क्या बोलेंगे मिस सपना जी, सिस्टर पॉपुलेशन। कौन से बोलेंगे, सिस्टर। अगर सिस्टर पॉपुलेशन के बीच आपस में इंट्रैक्शन है, किसी चीज का भी इंट्रैक्शन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। जरूरी नहीं है कि दो सिस्टर क्या हो, मेटा हो, लेकिन अगर दो मेटा पॉपुलेशन है तो सिस्टर भी होंगे। समझ में आया? बाकी हम करते हैं कल को।